न्यू चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, इजी चैप्टर, लेकिन छोटे को हम बड़ा बना देंगे। इसका न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ के साथ कवर अप करेंगे, राइट है जी। तो आज की हेडिंग आ गई आपकी एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड, वैसे न्यूक्लियस होना चाहिए लेकिन बुक्स में ऐसे लिखा होता है। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? न्यूक्लियाई हो गया, राइट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाए थोड़ा सा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वी आर डूइंग मॉडर्न फिजिक्स, राइट है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाए तो 3 चैप्टर्स हैं। एक आपका कौन सा हो गया? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एक है एटम, एटम अलग है उसमें, और एक है न्यूक्लियाई। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जाएंगे तो बेटा 3 चैप्टर्स हैं। हमने इसको यहां पे जो डिस्कशन में 2 पार्ट में रखा है। मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और नेक्स्ट पार्ट एटम एंड न्यूक्लियर करेंगे हम 2 पार्ट में ही। ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले एटम वाला पार्ट होगा फिर न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा। तो आज की हेडिंग क्या आ गई आपकी? एटम एंड न्यूक्लियाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें आप लिख नहीं पाओगे, फास्ट चले टॉपिक ही ऐसा है। तो आप जितना लिख सकते हो, इसने तो पेन ही रख दिया, कहते लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर पेन ही रख लो, तो सही में नहीं लिख पाओगे। इसकी पीडीएफ मैंने बना रखी है, क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे। ओके, सबसे इजी टॉपिक होगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बेसिकली हमारे पास रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है सिलेबस के हिसाब से, तो इजी सा टॉपिक है। आपने पहले भी किया होता है वही गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसको आज हमने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स आएंगे जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेटा लिख नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, आप सुन लेना, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है? कल तक अपने नोट्स इसके क्या करना, कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यू चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट इसका क्या है? एटम। दूसरा पार्ट इसका क्या है? न्यूक्लियाई। एटम वाले पार्ट में जो सबसे पहले नंबर पर हमने जो करना है, दैट इज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सुना होगा तुमने द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी जिसको हम कहते हैं। एक ये पार्ट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट इसका होगा बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और बोहर्स की पूरी थ्योरी। ये एटम मतलब सिलेबस के हिसाब से देखें, अदरवाइज तो पढ़ने को जितना मर्जी आप वास्ट भी जा सकते हो, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस लिमिट कर चलते हैं। तो एक हमने रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, एक हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल और पूरी की पूरी उसकी थ्योरी पढ़नी है, लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस होगा, जो भी 2-3-4 दिन जितने भी लगते होंगे, वैसे 2 दिन का ही काम है, पर न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हुए मे भी हम इस पे 5 दिन 6 दिन 7 दिन भी लगा दें इतने पार्ट पर। तो लेट्स स्टार्ट दी न्यू चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई। इसमें हमने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने नहीं है, एटॉमिक मॉडल के बारे में बस थोड़ा सा क्या करना है, डिस्कस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो उस पर डायरेक्ट 3 मार्क्स 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी उसमें से आ सकता है। ओके, कुछ पॉइंट्स होंगे जो नोट कर सकते होंगे कर लेना, अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स में आपने सुना होगा कि जी वेरियस एटॉमिक मॉडल्स वर गिवन। ओके, कई तरह के मॉडल्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले किसका नाम आता है? डाल्टन का आता है, क्या? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। सुना होगा डाल्टन ने क्या बोला था कि जो एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम डिवाइड ही नहीं हो सकते हैं, उसी से पूरा का पूरा क्या बनता है? मैटर बनता है। फिर आगे चलकर जे थॉमसन मॉडल आ गया, कौन सा? प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, उसके हिसाब से फिर इसको एक दूसरा मॉडल देना पड़ गया जिसको क्या बोला गया? प्लम पुडिंग मॉडल। सुना होगा तुमने वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, आप 12th क्लास पार करने वाले, ये तो बहुत बचपन से 8वीं 9वीं से ये मॉडल्स आपके चलते रहते हैं।
तो ये तीन चार तरह के मॉडल्स आए, जे जे थॉम्सन, चार्ल्टन एटॉमिक मॉडल, जे जे थॉम्सन मॉडल, फिर कौन सा आ गया बेटा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करवा दिया जो हमारा सिलेबस है। रदरफोर्ड कौन सा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सुना हुआ है ना भाई सबने, यहाँ पे तो रिस्पॉन्स ठीक आना चाहिए कि आपने सुन रखा है, कोई तो बड़ी बात नहीं है, बस उसी को हमने एक्सप्लेन करना है। कई बार क्या होता है, चीज बहुत ईजी लगती है, बहुत ही छोटी लगती है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यार ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, जो इग्नोर करना हम कर रहे हैं ना, इसके बारे में सिलेबस में नहीं लिखा हुआ हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में सिलेबस में नहीं लिखा हुआ हम इसके मॉडल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हमारा सिलेबस रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब वो करेंगे तो रदरफोर्ड मॉडल की तो अपने आप बात हो जाएगी। उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन का पूरा स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, वो सब सिलेबस में, ठीक है जी। तो ये कुछ मॉडल्स थे, इसकी कमियां इसने निकाल दी, इसने इसकी कमी निकाली, इसने इसकी कमी निकाली, आगे इसकी भी कमियां, खैर बोहर्स एटॉमिक मॉडल में भी क्या है, लिमिटेशंस हैं, आपने पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में, पढ़ते हो कि लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन खैर फाइनली बोहर्स एटॉमिक मॉडल ही ज़्यादा चलता है। इसके बाद मतलब मॉडल के फॉर्म में कोई और एटॉमिक मॉडल नहीं आया गया, इसमें भी खैर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो ये है भाई ये चार साइंटिस्ट, ये कौन है, अब जब सबसे पहले आया तो जाहिर है कौन होगा, जॉन डाल्टन, ठीक है। ये डाल्टन है सारी भाई, फिर से वही बात कि सारी की सारी इमेजेस जो है विकिपीडिया से ली होती हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक फिगर्स होती हैं, वहाँ पे जो भी लिखा होता है सही लिखा होता है। तो ये जॉन डाल्टन हो गया, शक्लें देख लो इनकी अच्छी तरह से, ये कौन है जी, ये हो गया आपका जे जे थॉम्सन, ये जे जे थॉम्सन हो गया। उसके अलावा ये हो गया आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और ये तस्वीर किसकी है, ये आपकी नील्स बोहर की तस्वीर है, ओके। आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे, खैर अब इनकी फोटो से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें एग्जाम में देखें तो पिक्चर आइडेंटिफाई करने वाला ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है हमें, तो चलो जो भी है न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ इस टाइप का टॉपिक होता है ना वहाँ पे फिर मैं अपने हिसाब से कि रिलैक्स वे में जब हम चल रहे होते हैं, जैसे ये टॉपिक जब पढ़ना है तो स्टार्टिंग इसकी रिलैक्स वे में हम करेंगे ना स्टार्ट, तो डायरेक्ट हमें इसमें से एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन सारी चीज़ें बेटा एग्जाम के लिए भी नहीं की जाती, नॉलेज के लिए भी करनी होती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ से आपकी हेडिंग लगेगी जब आप अपने नोट्स बनाओगे, तो यहाँ से बनाओगे, मैंने बोला है पीडीएफ आपको भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम्स भी आएंगे, आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कौन सा डायग्राम बनाना है मैं आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ पर इतनी तेजी से आप शायद सारे ना बना पाओ, तो आपको नोट्स बेटा घर पे जाकर शाम को या कल तक, कल की क्लास से पहले पहले अपने कंप्लीट करने हैं। ये टॉपिक हमने आज कवर अप भी कर ही देना है। तो पॉइंट है बेटा रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके साथ ना एक और नाम जुड़ा हुआ है, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने ये नाम, ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के नाम से ही सुना हुआ है, ज्यादा ये रदरफोर्ड के नाम से चलता है, लेकिन हायर क्लासेस में आकर ना जब लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है तो जीजर मार्सडन का नाम भी आता है। अगर हम एनसीईआरटी बुक देखें ना तो एनसीईआरटी बुक में इसको रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा, एनसीईआरटी बुक में इसकी हेडिंग दे रखी है जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। इससे पहले 2008 में एनसीईआरटी बुक दोबारा लिखी गई थी, मतलब लिखते रहते ना कि अब एक दो साल के अंदर अंदर फिर से एनसीईआरटी की नई बुक्स आने वाली है, मतलब पूरा का पूरा जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मे भी उसमें काफी चेंजेस आएंगे। तो 2008 में बेटा एनसीईआरटी बुक दोबारा लिखी गई, उसमें इस एक्सपेरिमेंट का नाम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बजाय क्या लिख दिया इन्होंने, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो 2008 के एग्जाम में जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से क्वेश्चन आ गया, आठवीं आ गया, आठवीं इन्होंने नाम चेंज किया था। 2008 में बड़ा क्वेश्चन आ गया, पता नहीं तीन का आया था कि फाइव मार्क्स का आया था, तो ये क्वेश्चन आ गया 2008 में। आप देख लो कितनी उम्र के होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो उस वक्त की बात है। तो ये एग्जाम में आ गया, अब एग्जाम में आ गया तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं लगा कि अब ये क्वेश्चन कौन सा
पूछ लिया गया। उसके बाद जब एनसीईआरटी में पढ़ते जा रहे हैं पढ़ाने वाले, अब इसको रदरफोर्ड की बजाय ज्यादा क्या नाम लेकर पढ़ाते हैं, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट नाम लेकर पढ़ाते हैं, तो अब पता लग गया कौन सा वाला, नहीं तो बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहां पर, कोई कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई कौन सा। पहले एक सिलेबस में होता था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, अब वो नहीं रहा, तो ज्यादातर बच्चे जीजर मार्सडन की बजाय कौन सा कराए, डेविसन एंड जर्मर ही कराए। तो पॉइंट ये है कि आपको इसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के नाम से तो जानना ही जानना है, लेकिन ज्यादा इसको हायर क्लासेस में किस एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये रदरफोर्ड के क्या थे, एसोसिएट्स थे। एसोसिएट्स मतलब रदरफोर्ड ने जीजर के साथ मिलकर, उसको कहीं पे एक जीजर नाम का बंदा मिला और जीजर का एक जूनियर था मार्सडन, तो वो तीनों ने मिलकर बेटा ये क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। पहला कौन है, रदरफोर्ड है, दूसरा कौन है, जीजर है। ये इसका एसोसिएट था, मतलब कहीं पे इसके साथ जानकारी हुई, इसने बोला कि भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें मेरी यार हेल्प वेल्प कर, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसके पास कुछ थे ऐसे कैलकुलेट करने के तरीके। इसका जूनियर था, ये इसके अंडर पीएचडी कर रहा था, इसको भी साथ ले आया गया था, चलो तीनों मिलकर करते हैं, और तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी मशहूर एक्सपेरिमेंट आगे बनकर जाकर बन गया, जिसको हम नाम ज़्यादा मशहूर खैर रदरफोर्ड का ही हुआ, लेकिन तीनों ने मिलकर ही किया था, बेसिकली इन दोनों ने ही इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो हमारी आज की हेडिंग क्या है बेटा, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सारे ही जानते हो आप, जो अभी तक मैंने बातें बोली वो नई बातें बोली है, इसके बाद जितनी भी बातें आनी है सब तुमने पढ़ा हुआ है कि गोल्ड फॉइल थी उस पर अल्फा पार्टिकल्स क्या किए, स्कैटर किए, ज़्यादातर तो आगे निकल गए, कुछ रिफ्लेक्ट होकर भी आए, फिर पता लगा कि सारा का सारा चार्ज तो एक जगह पे पड़ा हुआ है, जिसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, फिर बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फिर बोला इलेक्ट्रॉन तो उसके आसपास क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या बन गया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बन गया। ठीक है, एटॉमिक मॉडल में जीजर मार्सडन का नाम नहीं आता, आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जीजर मार्सडन का नाम भी, तो एग्जाम में बेटा अगर ये जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से आ जाए तो समझ लेना तुमने क्या लिखना है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जो पढ़ा हुआ है वही लिखना है। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो हमने क्या स्टार्ट किया है, एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें पहला पार्ट क्या स्टार्ट किया हमने, एटम, और एटम्स में सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं हम, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो जब भी हम ये करेंगे इसको थ्री पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, कि पूरा का पूरा आज का जो कंसेप्ट है या जो टॉपिक है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था जी, राइट। दूसरे पार्ट में हम इसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया और उसके बाद क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व क्या किया भाई, पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगेगा फिर बंदा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और तीसरे पार्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है जी। तो आप याद भी इसको इस तरीके से करोगे, पहले क्या करना है जी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुई, और तीसरे नंबर पर फिर उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो कुछ बातें होंगी जहां पे मैं स्ट्रेस दे दूंगा, यार ये तो जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आएगा, ओके। कुछ बातें होंगी जिसको जल्दी निकाल देंगे अपने हिसाब से, अब चीज को मैनेज कर लेना, राइट है। वैसे ये थ्री मार्क्स में बेटा बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, और तीसरे नंबर पे उससे कंक्लूजन क्या निकला, राइट है जी। तो सबसे पहली बात बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दो तीन तरह के डायग्राम्स आएंगे आपको, ये वाला बना देना या एक दूसरा वाला आएगा, दोनों में से कोई एक बनाना है। मैं यहां पर क्लैरिटी के लिए दो तीन तरह के क्या शो कर दूंगा आपको, डायग्राम शो करूंगा, मेन आप समझ लो आपने यही वाला एक डायग्राम बना देना है, कोई एक बनाना है, जल्दी बोलो पॉइंट, समझ गए कि नहीं। तो अगर ये अभी पूरा डायग्राम बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बोला मैं पीडीएफ भेजूंगा, घर से नोट्स कंप्लीट अपने कर लेकर आने हैं। अभी ज्यादा ध्यान किस पे होना चाहिए आपका, सुनने पर और बेटा चीजों को समझने पर होना चाहिए, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया बेटा, एक गोल्ड फॉयल, ये जो बीच में दिख रही है ये क्या चीज है जी, इट्स द गोल्ड फॉयल, ओके।
गोल्ड फॉइल ली उसने, वेरी 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 थिन, इतनी थिन कि जैसे एज्यूम किया जा सके कि इस फॉइल में सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है। बोलो ये वाला पॉइंट समझे कि नहीं? मैंने बोला समझने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, आप लिख लोगे घर पे जाके, भाई मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैंने बोला इतनी थिन कि इसमें एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है। भाई कोई भी मटेरियल है उसमें एटम्स की एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, चौथी लेयर होगी, बनके मटेरियल बनेगा। इसको पीट पीट कर इतना ज्यादा थिन कर दिया, गोल्ड को फॉइल के रूप में बनाया जा सकता है कि इट कंटेन्स सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, कि इस पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल में बस एक ही लेयर ऑफ क्या है, एटम्स। ठीक है, आपने एल्युमिनियम फॉइल देखी होगी, रोटियां वोटियां लपेटने के काम में आती है, वो भी एक फॉइल के फॉर्म में है, जो मेटल्स है ना कुछ, इनको फॉइल बनाया जा सकता है, राइट? आपने वो जो मिठाइयों के ऊपर वर्क नहीं लगे होते, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, वो भी बेसिकली एक तरह की क्या हो गई, फॉइल ही हो गई। ओके, उसको इतना ज्यादा पीट दिया जाता है कि वो तो बस वो टूटी हुई होती है, वो इकट्ठे जब लगाने से पहले बस वो फॉइल के फॉर्म में होती है, उसके बाद एक बार चिपक जाए मिठाई पे, उसके बाद तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, इतनी पतली होती है, राइट है? तो ये बीच में क्या है, गोल्ड फॉइल, एक बार ध्यान से बोर्ड पे देख के सुनना, ये गोल्ड फॉइल है, ये क्या है जी, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल पिछले दो चार दिनों से बहुत बात हो रही है, पता है ना सबको अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, और सबसे बड़ी बात इस पे चार्ज कितना, 2 पॉजिटिव। इस एक्सपेरिमेंट में मास नंबर एटॉमिक नंबर से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, इस बात से लेना देना होगा कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। अल्फा पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। तो अल्फा पार्टिकल की बात हुई हुई है, क्या होता है तुम्हें पता है? तो ये क्या है बेटा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ऐसे नहीं मिलते नेचर में, कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते रहते हैं। इन्होंने बिस्मथ मटीरियल लिया था, क्या लिया था बेटा, बिस्मथ लिया था, वो अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है। अब इस पूरे के पूरे को बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो हार्मफुल रेडिएशन भी छोड़ते रहते हैं। तो इस पूरे के पूरे को सेफली रखा, ये अल्फा पार्टिकल्स निकले, कहाँ पे टकराते हैं, गोल्ड फॉइल पे टकराते हैं। अब गोल्ड फॉइल से बेटा टकरा कर वो आगे निकल रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट भी करना था। तो इसके चारों तरफ ये जो गोल घुमा के लगाया हुआ, ये क्या लगाया हुआ है, डिटेक्टर लगाया हुआ है। ये बेसिकली क्या है, डिटेक्टर। ओके, ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसको डिटेक्टर बोल दिया, किसी भी मेटल वेटल का बना होगा। खास बात, इसके अंदर वाली साइड पे चारों तरफ जिंक सल्फाइड एक मटेरियल होता है, उसकी कोटिंग की हुई थी। किसकी कोटिंग की हुई है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। अब जिंक सल्फाइड की खास बात, इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल आके टक्कर मारते हैं ना, तो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, माइन्यूट सा हल्का सा क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिनको सिंटिलेशंस बोला गया। क्या बोलते हैं उनको, सिंटिलेशंस। ओके, तो यहां पे गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए, चारों तरफ मूवेबल सिलेंड्रिकल क्या लगा दिया गया, डिटेक्टर लगा दिया गया। डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट कर रहा है, इसके अंदर वाली साइड पे क्या लगा रखी है, ZnS की लेयर है जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड के ऊपर जब ये अल्फा पार्टिकल, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स आके टकराते हैं, तो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। अब वो फ्लैश ऑफ लाइट ऐसे नहीं दिखता, उसके लिए भी क्या लगाया इन्होंने, माइक्रोस्कोप लगाया, डिटेक्टर के रूप में क्या लगाया, माइक्रोस्कोप। चारों तरफ इसके अलग अलग जगह पे माइक्रोस्कोप रख रख कर देखा, अब माइक्रोस्कोप से पता लग गया कि अल्फा पार्टिकल कहां कहां पहुंच रहे हैं, राइट है जी। तो ऑब्जर्वेशन बाद में देखते हैं कहां कहां पहुंचे, वो बाद में देखते हैं। वैसे आपको पता ही है, ज्यादातर पार कर गए, कुछ इधर भी पहुंचे, कुछ इधर भी पहुंचे, हर जगह ही पहुंचे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्रॉस करके इस जगह पे मिले, यहां पे थोड़े कम मिले, यहां पर भी मिले लेकिन और कम मिले। तो डायग्राम आप डिसाइड कर लो कौन सा बनाओगे, मेरे हिसाब से यही वाला डायग्राम बना के आ जाना, क्योंकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
एक तो पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, एक हमें नंबर भी तो लेने हैं, तो नंबर में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यही वाला बना देना, बहुत है जी। बोलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा चीज़ें शो ही नहीं की अभी मैंने, ये पूरा डिटेक्टर है, ये गोल्ड फॉइल है, ये क्या जी आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। थोड़ा जवाब दे दो बेटा, जितना काम चल रहा है सही चल रहा है और समझ में लगना शुरू हो ही गया होगा, मतलब चीज़ें आपको पहले से पता है, बस आपको क्या करवाया जा रहा है, एक बार इसको बस थोड़ा सा रिवाइज करवाया जाए। जल्दी बताओ, अगर मैं कहूँ बिना देखे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना होगा एग्जाम के लिए, तो बन जाएगा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, आसपास ये सिलेंड्रिकल सा पोर्शन बना दिया, बीच में गोल्ड फॉयल है, ऐसे बना देना, बहुत है। ओके, वैसे ये एक्सपेरिमेंट इस टाइप का सेटअप इनके पास था, ये तो हम डायग्राम बना रहे ना, तो एक्चुअली इस टाइप का था, ये सिलेंड्रिकल है, बीच में गोल्ड फॉयल है, दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, बीच में गोल्ड फॉयल हो गई, और ये क्या लगा हुआ है आपका माइक्रोस्कोप वाला पोर्शन है, जहां से सिंटिलेशंस इन्होंने क्या की होंगी, डिटेक्ट की होंगी। ओके, ये इसका मतलब एनिमेटेड व्यू है, वहां से क्लैरिटी नहीं है, यहां से उसका क्या हो गया, एनिमेटेड व्यू हो गया। बोलो पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमें नॉलेज के लिए चाहिए था, मैंने दिखा दिया, अब एग्जाम के लिए अब ये कहां थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाते रहेंगे, शेडिंग करते रहेंगे, उतनी देर में तो जिंदगी बीत जाएंगे, अब ये थोड़ी बनाते रहेंगे, हमें नंबर लेने हैं, वहां पर थ्री मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा हद हो जाएगी, डायग्राम एक नंबर का है, अब एक नंबर के लिए हम बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ऐसा डायग्राम रखेंगे कि जल्दी वो बन जाए, यही वाला बना देना, यही वाला जल्दी बन जाएगा, बाकी आपको यहां से थोड़ी और क्लैरिटी हो जाती है कि हुआ क्या होगा, यहां बीच में गोल्ड फॉइल है, ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये इसका अंदर का पोर्शन दिखाया हुआ, ये माइक्रोस्कोप, ये एनिमेटेड है, ये क्या है एक्चुअल जो यूज किया था वो नहीं है, उसका रेप्लिका, मतलब इन्होंने लैब वैब में बनाकर यादगार के तौर पर रखते हैं ना कि भी ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज किया था, ये चीज यूज की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जल्दी बताओ, फर्स्ट पार्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, हमारे चैप्टर में कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे हम थोड़ा रिलैक्स वे में चल सकते हैं, ज्यादातर 70% 80% टॉपिक ऐसे नहीं होती कि ऐसे रिलैक्स वे में हम पढ़ा रहे हैं, वहां पे तो न्यूमेरिकल भी करना है जी, ये करना है वो करना है, इस चक्कर में पड़े हुए होते हैं। अब एग्जाम में ये भी आएगा, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ऐसा है जिस पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी इधर उधर की बात करते हुए चल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने चेंज किया, ये दोबारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, कई बुक्स में ये दिया होता है इस टाइप का, कई बुक्स में उस टाइप का, आपने दो नहीं बनाने में पहले बोल रहा हूँ, अभी अपनी कॉपी में दो बना लेना, एग्जाम में आए तो कोई एक बना के बात खत्म करनी है, दो बनाने का टाइम नहीं होगा। ये दोनों डायग्राम हमारे एनसीईआरटी बुक के, एनसीईआरटी में दोनों बने हुए, जो मैंने पहले बनाया जो यहाँ पे बना होता इस साइड पे, ये भी वही डायग्राम है, ये इसका दूसरा व्यू है, ये क्या हो गया जी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मैंने बोला बना नहीं पाओगे इतनी जल्दी, बस समझो तो सही बात को, कल आपकी कॉपियां चेक कर लेंगे, उसमें सारा का सारा मैं पीडीएफ भेज रहा हूं थोड़ी देर में, कवर अप करके आ जाना। ओके, ये क्या हो गया जी वही सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डन, ये क्या है लेड ब्रिक्स, लेड ब्रिक्स मतलब लेड जो मटेरियल है ना बेटा, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। वो जो पिछली डायग्राम में वो डब्बा सा बना हुआ था जिसमें सोर्स पड़ा हुआ था, वो भी किसका बना हुआ होगा, लेड का बना हुआ होगा, लेड की प्रॉपर्टी वो हार्मफुल रेडिएशंस को क्या करेगा, ब्लॉक करता है, तो इसलिए लेड बहुत जरूरी है न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो इसलिए यहां पे क्या लगाया लेड ब्रिक्स, लेड यानी पीबी। ओके, यहां से बीम के रूप में अल्फा पार्टिकल आए, ये क्या है जी आपकी गोल्ड फॉइल। ओके, गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल क्रॉस करते हुए निकले, तो ज्यादातर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर निकले, यहां पे डिफ्लेक्शन को स्कैटरिंग बोला गया है, जो सीधे निकले मतलब दे आर स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल्स, एक टकरा कर वापिस आ गया तो हम कहेंगे इसकी बड़ी जबरदस्त टाइप की स्कैटरिंग हुई है, एक सीधा ही निकल गया तो हम कहेंगे इसकी स्कैटरिंग बहुत कम हुई है, राइट है। तो यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया, स्कैटरिंग वर्ड यूज किया गया, आगे डायग्राम आएगा, डायग्राम में समझाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल आते हैं, ज्यादातर
स्मॉल एंगल से स्कैटर होके आगे निकल जाते हैं। जल्दी बोलो, ठीक है, ये वही तुम्हारा सर्कुलर चारों तरफ घूमने वाला क्या है, डिटेक्टर है। यहां पे क्या लग रखा है, इस पे माइक्रोस्कोप लग रखा है। मैंने इतने डायग्राम दिखा दिए, अब क्लैरिटी तो होगी होगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर अलग अलग जगह पे रखते हुए चेक कर लेगा कहां कहां पार्टिकल्स आ रहे हैं। यहां पे देखा तो बहुत आ रहे हैं, यहां पे रखकर देखा तो एंगल बढ़ गया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। यहां पर रखकर देखा, देखो यहां पर इस जगह पे भी पार्टिकल्स आए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और भी क्या हुए, कम ऑब्जर्व हुए। जल्दी बोलो, सब कुछ ठीक। उसके चारों तरफ डिटेक्टर रख रख के यहां पे कम ऑब्जर्व हुए, यहां ज्यादा, यहां बहुत ज्यादा। यहां देखता है कि बहुत कम पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहे हैं, यानी कम सिंटिलेशन हो रही है। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कम होते जाएंगे। बैकवर्ड साइड पे 180 डिग्री पे भी जाके ऑब्जर्व किया, वहां पे ना के करीब आए, लेकिन कुछ इक्का दुक्का पार्टिकल तो 180 डिग्री से स्कैटर होते हुए भी ऑब्जर्व किए गए। ठीक है जी, हो जाएगा। तो डायग्राम ये भी पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे, पहला वाला भी चाहिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया तो दो दो बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वेले बैठे हुए हो, सफिशियंट टाइम है, और यही क्वेश्चन आता है, बाकी वाले नहीं आते हैं, तो चाहे दो बनाओ, चाहे जितने मैंने दिखाए छः के छः बना देना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, छः बच्चे हो, आपको आ जाएगा। ओके जी, ये बताओ, अगर मैं बोलूँ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या जीजे मार्सन एक्सपेरिमेंट, मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, तो डायग्राम बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाला पार्ट मान लिया, आप कर लोगे, थोड़ी सी उसकी क्या कर देनी है, लेबलिंग कर देनी है, ज़्यादा लेबलिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी लेबलिंग करो, डायग्राम बनाओ, बात खत्म। ओके जी, अब इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में वही डायग्राम है, मुझे स्लाइड में पीछे ना जाना पड़े, तो जब पॉइंट्स आएंगे तो मैंने डायग्राम इसलिए साथ में रख रखा, ठीक है, पीछे पिछली स्लाइड ना खोलनी पड़े। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आप याद रखोगे, जैसे नाम देना है, इतनी एनर्जी के थे, बाकी वही चीज़ है जो आपको ऑलरेडी हमने बेटा समझा दी, कि अ वेल कॉलिमेटेड बीम ऑफ 5.5 मेव अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स विस्मथ 214 वाज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। देखो, एक बच्चा है जो डायग्राम बनाता है और उसके बारे में लिख रहा है कि थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए, वो ऐसे लिख रहा है। एक दूसरा बच्चा है, वो डायग्राम बनाकर लिख रहा है कि थिन गोल्ड फॉइल पर बिस्मथ सोर्स से लेकर 5.5 मेव एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए थे। तो दोनों के सेंटेंस में जल्दी बताओ फर्क हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा वाला बिल्कुल पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ आ रहा है, तो आप अगर इन पर्टिकुलर लिखो कम, पॉइंट जबरदस्त रखो, तो अगर आप इन पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ वहां पे शो करोगे तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो वैसी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। एक रफ सी एक्सप्लेनेशन नहीं, बिल्कुल सॉलिड वाली एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो जो अल्फा पार्टिकल बेटा आए थे वो कहां से लिए उसने, विस्मत 214। देखो, ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जब चलते हैं ना, सुनना मेरी बात को, इनके नाम जो है ना, इनके मास नंबर से बताए जाते हैं। जैसे बिस्मत का कोई और भी आइसोटोप हो सकता है, तो इसको बिस्मत 214 बोला जाएगा, बिस्मत नहीं बोला जाएगा। जैसे यूरेनियम है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा नाम चलेगा, इसको यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ऐसे बोलते। क्या यूज किया, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। ऐसी यहां पे जब बोलेंगे ना बिस्मत बोलने की बजाय क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में हम, विस्मत 214 से उसने अल्फा पार्टिकल क्या किए, ऑप्टेन किए। एक वर्ड आ रहा है मैव। अब मैव क्या है यार, मैव मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पढ़कर आए हैं अभी अभी कि एनर्जी की यूनिट इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रही है। मैव का मतलब 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हो, मैव मीन्स 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो कुछ जो नई बातें आ रही हैं वो भी सुनते जाओ, आगे काम आती जाएंगी आपके। तो एनर्जी इतनी थी, यहां से ऑब्टेन किए गए थे, थिन गोल्ड फॉइल पे हमने डाले थे, बाकी सारी बातें ऑलरेडी आपको खैर पता ही है। द गोल्ड फॉइल यूज इज सो थिन
अब सो थिन के साथ यार अगर आप इसकी वैल्यू भी बता दो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-7 मीटर, ऑर्डर क्या था इसका, ऑफ द ऑर्डर थिकनेस जो थी इसकी 10^-7 मीटर, तो आपके जो पॉइंट्स है ना यार वो सॉलिड होते चले जाते हैं, पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ यार वाकई बंदा तैयारी कर आया है, ऐसी रफ बातें नहीं कर रहा। तो आपने लैंग्वेज ये नहीं है कि कहानी बनाओ पैराग्राफ बना दो, एक पेज का पैराग्राफ बना दिया हमने उस पर, जैसे ऐसे नहीं लिखते कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, ऐसे नहीं लिखना हमने, हमने पॉइंट्स ही लिखने हैं और टू द पॉइंट बात कर कर मे बी आप 4-5 पॉइंट में ही पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया बात खत्म कर दो, लेकिन उनको थोड़ा सा क्या करो पक्के करो वैल्यूज दे देकर, राइट है जी। एनर्जी याद रखनी है किससे लिए वो याद रखना है, और 2.1 × 10^-7 मीटर यानी 10^-7 मीटर थिकनेस थी इसकी। ओके अगली बात, बम्बार्ड कर दिए, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड द माइक्रोस्कोप। ये हमने बात कर ही दी है कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं द एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया, ऑलरेडी डिस्कस है, कुछ पॉइंट्स एड अप हो रहे हैं कि जी हमने थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल मारे, उनके पास इतनी एनर्जी थी और उसके बाद उन अल्फा पार्टिकल्स को रोटेटेबल डिटेक्टर की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिन सल्फाइड स्क्रीन की हेल्प से क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया। ओके डिटेक्ट कर लिया, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द स्ट्राइकिंग स्क्रीन प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट। डिटेक्ट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, और डिटेक्टर ने डिटेक्ट क्या किया बेटा, फ्लैशेस ऑफ लाइट इस पे प्रोड्यूस होते हैं, पहले मैंने बात कर दी, जिसको क्या बोलते हैं हम सिंटिलेशंस। ये जो कुछ टेक्निकल से वर्ड है ना ये यूज करो अपनी एक्सप्लेनेशन में तो वो और भी सॉलिड लगेगी आपको। ये जो वर्ड्स है ना भारी भरकम से वर्ड सिंटिलेशंस, ये से यूज करो, सिंटिलेशन का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है जी। तो मैं चेंज करते जा रहा हूँ, मैंने बोला हुआ है कि इतनी जल्दी आप अगर नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं अच्छी बात है, जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, बाकी आपको पीडीएफ देंगे वहां से कंप्लीट कर लेना। ओके द फ्लैशेस वर व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द स्कैटरिंग वाज स्टडीड। अलग अलग एंगल्स पर कितने पार्टिकल्स आए वो सारा का सारा स्टडी किया गया और उससे फिर कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश की गई। बोलो जी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है अभी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसमें क्या क्या हुआ वही अभी तक हमने क्या किया है डिस्कस किया है। यहां तक जवाब दो बेटा, जितना बोला क्लियर है हो जाएगा। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, डायग्राम, डायग्राम के बाद नीचे कहानियां और लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने होते कभी भी फिजिक्स में केमिस्ट्री में, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना एक्सप्लेनेटरी तो पैराग्राफ के फॉर्म में तो कभी भी नहीं लिखना, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। तो दो चार जितने भी पॉइंट्स हैं उस फॉर्म में आप अपनी पूरी की पूरी जो जो एक्सपेरिमेंट में किया गया है उसको एक्सप्लेन करोगे, सीक्वेंस यही रखना जो मैंने आपको बनाकर दिया। ओके जी चेंज कर रहे हैं, अगर कोई नहीं लिख पाया तो बाद में लिखना, अगली बात पर जा रहे हैं बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और उसमें क्या हुआ, अब अगली बात ऑब्जर्वेशन, आधी से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस तो हमने ऑलरेडी क्या कर ली है डिस्कस कर ही ली है, जिसमें क्या है ज्यादातर आगे निकल गए, कम एंगल वाले स्कैटरिंग वाले ज्यादा थे और ज्यादा एंगल से स्कैटरिंग करने वाले बहुत कम थे, ठीक है जी। ओ भाई लिख रहे हो सेठ साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना ज्यादा तेज कर रहा हूं मैं इसको, हाँ मतलब सेकंड नंबर में आ गया, थर्ड नंबर मान लो इसको, सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के तेज तेज कर रहा हूँ यार। मैंने तो बोला ही है बेटा कि इस वक्त आप ये सारा का सारा ये ले दोबारा देख ले भाई, नहीं लिख पाओगे इतनी तेजी से, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई समझने में ज़्यादा मैं तेज तेज कर रहा हूँ तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन है कि हंस रहा है, ये तो दुखी होके कहे कि सर क्या कर रहे हो यार तेज तेज कर रहे हो, मैंने आगे कर रहा है तो हंस रहा है। मैंने कहा क्यों हंस रहा है, कह रहा सर तेज तेज कर रहे हो इसलिए हंस रहा हूँ
चलो लिख नहीं पाओगे भाई, ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, मैं वैसे ही चीज़ को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके करा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बीच में बोल रहा हूँ, तो आप इसको कंप्लीट करना, कल मैं तेरी कॉपी चेक करूँगा भाई, ठीक है, मैं पीडीएफ भेजूँगा उसमें से कवर अप करना, राइट है जी। तो आगे बढ़ रहे हैं यार, या वीडियो भेजूँगा, वीडियो रोक के देख लेते, या पीडीएफ भेजूँगा वहाँ से आराम से लिखना। अगली बात है ऑब्जर्वेशन, चलो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा धीरे धीरे अब करूँ, लेकिन मुझे लगा पता है मैं उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगली बात है बेटा ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस में भी आप ये डायग्राम बनाओगे, सारे डायग्राम एनसीईआरटी बुक वाले हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं एज इट इज, राइट है। अब ये डायग्राम क्या है, क्या है ये रस्सियां सी, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये क्या है, न्यूक्लियस दिख रहा है, छोटा सा सूरज नहीं है ये छोटा सा क्या है, न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर से गुजरा, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो यहां पे बेटा न्यूक्लियस को बड़ा कर दिया ना, न्यूक्लियस को थोड़ा मैग्नीफाई करके, तो इस पे अल्फा पार्टिकल्स कुछ ऐसे पड़ रहे हैं, जल्दी बोलो समझ रहे हो, ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम इस पे ऐसे पड़ी होगी, जो थोड़ा दूर से गुजरा, दूर वाला जो है, जरूर नहीं ऐसा डायग्राम बनाना, आप ऐसा भी बना सकते हो, वो लगभग सीधा निकल गया, क्लियर है, हो गया क्लियर अब ये डायग्राम, वो लगभग क्या निकल गया, सीधा निकल गया, जो थोड़ा करीब से गुजरा, मान लो ये वाला है, वो डाइवर्ट हुआ है लेकिन कम डाइवर्ट हुआ है, जल्दी बोलो क्लियर है। अच्छा डाइवर्ट क्यों हुआ, वैसे तो वो कंक्लूजन में आएगा, अभी तो मैं ऑब्जर्वेशन करा रहा हूं ना, लेकिन वो तुम्हें पहले पता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को क्या करना था, रिपेल करना था। जो बहुत दूर से निकला न्यूक्लियस के वो तो सीधा निकल गया, जो थोड़ा करीब आ गया वो डिफ्लेक्ट हुआ है, यानी स्कैटर हुआ है, लेकिन कम एंगल से स्कैटर हुआ है, जल्दी बोलो पॉइंट क्लियर। जो और करीब है उसकी स्कैटरिंग और ज्यादा होगी, बोलो समझ गए, ठीक है ना, पहले वाला सीधा निकलता हुआ दिखाया हुआ है, दूसरे वाला कम स्कैटर हुआ है, तीसरे वाले की डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा हुई है, ये चौथे वाले की देखो और ज्यादा हो रही है डिफ्लेक्शन के, नहीं बोलो पॉइंट समझ रहे हो। उसके बाद जो ये वाला पार्टिकल है इसकी डिफ्लेक्शन ये गई, और जो बिल्कुल काफी करीब आ गया वो देखो यहां पहुंच गया, और जो बिल्कुल हेड ऑन आ गया ये देखो, ये एरो जाने की और ये एरो वापस आने की, ये हेड ऑन कोलिजन करने वाला दिस वन, ये तो कितने एंगल पे आ गया जी, 180 डिग्री पर ही वापस आ गया, ठीक है जी। बनाया जा सकता है डायग्राम के नहीं, आप अपने हिसाब से बना लो यार, आपने अगर केमिस्ट्री में कोई पढ़ा हुआ है पहले डायग्राम, आप वो भी बना सकते हो, आप इजी वाला भी बना सकते हो, वैसे ये इजी है, वो एनसीईआरटी वाले फिर थोड़ा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं बिल्कुल, एंड थोड़ा मुश्किल कर इजी वाले को भी थोड़ा मुश्किल कर बना देते हैं, पहली बार भी मुश्किल लगा था, अब सही लग गया डायग्राम के नहीं, क्या चीज़ बनी हुई है क्लियर, आप अपने हिसाब से बना दो, न्यूक्लियस जरूर नहीं इतना छोटा बनाना है, थोड़ा बड़ा बना दो, उसने एक ही जगह पे ना सारे शो करने थे इसलिए फिर ऐसे करके शो किया, ओके कोई कन्फ्यूजन तो नहीं अब डायग्राम में, बन सकता है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन में यही ऑब्जर्वेशन है, यही मेनली क्या है ऑब्जर्वेशन है, कि भाई ज्यादातर पास निकल गए, कुछ बहुत ज्यादा हाई एंगल से भी क्या हुए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब इसके पॉइंट्स आएंगे, अगर लिख सकते हो तो भाई लिख ले दो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड, भाई ये जो पॉइंट्स आएंगे तीन चार इसके ऊपर ये डायग्राम बना होगा, तब मतलब कंप्लीट नजर आएगा आपका, कि पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या हुआ थोड़ा सा लिख दिया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालकर ये आपने ऑब्जर्वेशंस का डायग्राम बना दिया, और पहला पॉइंट क्या गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनरिफ्लेक्टेड, ज्यादातर तो क्या हो गए आगे ही निकल गए, स्ट्रेट अवे अनरिफ्लेक्टेड निकल गए, ओके। सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, ज्यादातर तो अनडिफ्लेक्टेड, कुछ स्मॉल एंगल से ही क्या हुए, रिफ्लेक्ट हुए, जो
ये वाला शो कर रहा है, ये वाला स्मॉल एंगल से क्या हुए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके कर लिया नोट, दो पॉइंट हो गए नोट। ओके अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल मोर देन 90 डिग्री। देखो अब फिर वही बात है, आप अपने सेंटेंस को पक्का करोगे कैसे, पहले दो सेंटेंसेस में तो चलो ठीक है ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप ये लिखोगे तो इसमें ये वाला पॉइंट डालो भाई, किताबों में लिखा होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा वाले बहुत कम थे, कितने 1 in 1000। ठीक है 90 डिग्री से कम डिफ्लेक्ट होने वाले, सॉरी ज्यादा डिफ्लेक्ट होने वाले बहुत कम थे, 1 in 1000। तो ज्यादातर पास कर गए, स्मॉल एंगल्स वाले भी काफी हैं, 90 से ज्यादा एंगल वाले बहुत कम है, कितने 1 in 1000। चेंज करूं, बोल दो अब तो चेंज कर दे। ओके अगली बात केशव भाई लिख लिया तूने, अब कैसे लिख लेते तेजी से, अब मैं धीरे धीरे करा रहा हूं तो सीरियस होकर बैठा, जब तेज तेज लिखाने जा रहा था तब हंस रहा था। ओके जी अगली बात, अ फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स यानी वेरी फ्यू रिटर्न्ड बैक एंड डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से भी कुछ तो आए हैं, 180 डिग्री वाले भी कुछ तो आए हैं, 90 डिग्री से ज्यादा वाले भी आए हैं लेकिन बहुत कम है। ओके तो अ फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड 180, छोड़ दे आगे बढ़ चले, क्लियर ही है हो जाएगा। ओके अब बढ़ते हैं अगली बात पर, ये टिपिकल ग्राफ, अब ये ग्राफ भी जरूरी है, आप समझो क्या क्या लिखना है। एक्स्ट्रा वन ने शुरू शुरू में बोल दिया, अ टिपिकल ग्राफ फॉर द टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सेटेड एट डिफरेंट एंगल्स, भाई डिटेक्टर अलग अलग जगह पे रखा, वो नोट करते रहे कि भी 0 डिग्री पे इतने आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, वो नोट कर लिया नंबर किसी तरीके से, उन्होंने होता है उनके पास मेथड। ओके सिग्नल जनरेट करके वहां से ग्राफ बन जाते हैं, ज्यादा एंगल वाले इतने आ रहे हैं, अब कर कराकर ये ग्राफ बुक्स में आपको अवेलेबल होगा। एक तरफ क्या है स्कैटरिंग एंगल, एक तरफ क्या है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो एक तरफ स्कैटरिंग एंगल और एक तरफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, ध्यान से देखो, जीरो एंगल से या 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंगल से जो स्कैटर कर रहे हैं, मतलब लार्ज वेरी स्मॉल स्कैटरिंग वाले बहुत ज्यादा है कि नहीं चेक कर लो, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, कम एंगल वाले ज्यादा होंगे, राइट है। जब आप ग्राफ बनाओगे आपको ऐसे पूरे डब्बे 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 बनाने की जरूरत नहीं है, आप यार अपनी कॉपी में ऐसा सिंपल ग्राफ बना ले, ठीक है, लेबलिंग सही कर देना, इस तरफ थीटा और इस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये अगर लेबलिंग करोगे तो बढ़िया बात रहेगी, अदरवाइज शेप तो कम से कम याद हो ना तुम्हें, शेप तो कम से कम याद हो कि जो एन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है थीटा, जितना एंगल ज्यादा है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है कम है। ओके तो उस टाइप से बना देना, ये बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, अब एनसीईआरटी बुक में विद ऐसे बॉक्स बॉक्स करके बनाया हुआ है, तो मेरे पास ग्राफ फिर वैसा ही आ गया जी, उसके हिसाब से बने अपने ग्राफ। बोलो हो जाएगा, बोला करो बेटा, थोड़ा रिस्पांस दो, ठीक जा रहे हैं हम, ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाला डायग्राम, दूसरे नंबर पे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है थोड़ा एक्सप्लेन किया, तीसरे नंबर पर ऑब्जर्वेशंस क्या हुई और ये ऑब्जर्वेशन का क्या है रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन जो भी हुई उसको उसने क्या लिया एक ग्राफ पर ले लिया। ओके अब इसके बाद एक फार्मूला आ रहा है बेटा, वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे वहां पे अब फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी जी। ओके द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल थीटा, इस तरफ क्या है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इस तरफ क्या है बेटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना एंगल ज्यादा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है कम है। अब इसका फार्मूला ये याद रख लो, ये कंप्लीट फार्मूला नहीं है,
प्रोपोर्शनल टू शो कर रखा है बस, तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन इससे चलो हमारा न्यूमेरिकल वगैरह आपका निपटता रहेगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 4 साइन रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई थीटा बाय 2। जेड यहाँ पर गोल्ड फॉइल यूज किया है, तो गोल्ड फॉइल का क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर। कोई और मटेरियल यूज किया होता तो उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाले जो है फिर टिक के थोड़ी बैठे होंगे, गोल्ड के साथ साथ उन्होंने कई और चीज़ों से भी एक्सपेरिमेंट करके देखा ही होगा। और थीटा है आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये फार्मूला हमारे लिए पहला फार्मूला है जो कि जरूरी रहेगा, न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा। ओके, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं था लेकिन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल टू जेड रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन रेस टू पावर 4 थीटा बाय 2। थीटा क्या है यहाँ पर जवाब दे दो, इट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल का मतलब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स। ओके जी, सही चले हम यहाँ तक, सही चले यहाँ तक। ऑब्जर्वेशंस में क्या करा आपने, दो डायग्राम आएंगे, कुछ लाइनें आएंगी। एक पहला वाला डायग्राम आ गया, एक ये वाला डायग्राम। हर किताब में जाओगे तरह तरह के डायग्राम है, कोई आपको ईजी लगेंगे, कोई डिफिकल्ट लगेंगे, कोई अच्छे लगेंगे, कोई बुरे लगेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, एक बार पढ़ लिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बात खत्म, उसी को पढ़ लो। ओके, जो आपकी कॉपी में लिखा होगा वहीं से याद करना है, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके जी, अब आते हैं किस पे, अगली बात पर, कि इसकी एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। आप सिर्फ कंक्लूजन लिखो कॉपी पे, आप जब लिखोगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या देना है इसका, कंक्लूजन लिखना, राइट है। क्योंकि दो तरीके से पढ़ाना पड़ता है ना भाई हमें, एक समझाने के लिए और एक एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए भी। तो उसके हिसाब से पहले आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा डायग्राम बना दोगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है उसके चार पांच पॉइंट बताए वो लिखोगे, उसके बाद क्या आ गया आपकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में एक डायग्राम बनेगा, नीचे पॉइंट्स आएंगे, और उसके बाद ग्राफ बनाना जरूरी है, और ग्राफ के साथ ये जो फार्मूला लिखा था एन वाला वो भी लिख देना, राइट है जी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन हुई पड़ी है, एक बार बोल दूंगा, आपने सीधा एग्जाम में जब लिख के आना तो सीधा क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। अब कंक्लूजन एक्सप्लेनेशन एक ही है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पार निकल गए, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है जी। अब बेटा ये जो गोल्ड फॉइल है इस पे अल्फा पार्टिकल ज्यादातर तो बाहर ही निकल गए, तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई एटम जो होता है उसका ज्यादातर हिस्सा तो क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। वो जो इससे पहले जे.जे. थॉमसन चल रहा था, जे.जे. थॉमसन के हिसाब से एटम के अंदर हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में कहीं पर नेगेटिव, यही चल रहा था ना, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। वो प्लम पुडिंग मॉडल का, कि जैसे प्लम में बाकी जगह पर वाटरमेलन मॉडल भी हो गया, जो पूरा रेड वाला पोर्शन होता है वाटरमेलन का, वो कह रहा है पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में जो बीज होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो चल रहा था। अब इससे वो तो एकदम फेल हो गया। अगर हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल्स पास कर आगे नहीं निकल जाते। तो पहला कंक्लूजन क्या निकल रहा है, पहली एक्सप्लेनेशन क्या निकल रही है ऑब्जर्वेशंस की, कि जी ज्यादातर स्पेस तो इसमें क्या है, एम्प्टी है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में एक और पॉइंट है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर भी हो रहे हैं, और जब ज्यादातर तो पास निकल जाते हैं, कुछ स्कैटर हो रहे हैं, और कई बार जब स्कैटर होते हैं बड़े लार्ज एंगल से 180 डिग्री से भी स्कैटर हो रहे हैं। तो यहां से पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज तो फिर है, अगर स्कैटरिंग हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज है, और बड़े स्ट्रांगली भी स्कैटर हो रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड होगा, कि डायरेक्ट अगर वहां पर जाएं तो सीधा ही वापस आ जाता है, बड़ी स्ट्रांगली वापस आता है। उस पॉइंट को फिर आगे चलकर क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियस बोल दिया गया। ओके, ज्यादातर कह रहा है इसका स्पेस क्या है, एम्प्टी है, सारा का सारा चार्ज एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, उसको क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियस बोल दिया गया। इसलिए कह रहा है कुछ अल्फा पार्टिकल पीछे भी आ रहे हैं। फिर आगे किसी ने बोला कि यार फिर जो नेगेटिव चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन थे उनका क्या, वो कहां पर है। फिर अल्टीमेटली अगली बातों में डिस्कस किया गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इस न्यूक्लियस के आसपास इसके इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर रदरफोर्ड ने क्या दे दिया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दे दिया। जल्दी बताएं जी, क्लियर है, हो जाएगा। अब लिखने के लिहाज से देखें हम, तो लिखने के लिहाज से बेटा जो भी डिस्कस हुआ, जो भी उसके एक्सप्लेनेशन आई, जो भी कंक्लूजन निकले, उसके हिसाब से रदरफोर्ड ने क्या दे दिया, एटॉमिक मॉडल दे दिया। ओके, अब कंक्लूजन को थोड़ा फास्टली मैंने निकाल दिया। अब कंक्लूजन में भी आप जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था ना, कंक्लूजन में यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, एक कि भी न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास हमने मान लिए कि जैसे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस पर बेस क्या दे दिया गया बेटा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो जरूरी नहीं है आप पूरे के पूरे, मतलब ये जो पांच पांच लाइनों का पॉइंट है उसको एज इट इज लोगे, आप अपने हिसाब से शॉर्ट में भी उसको करके लिख सकते हो। ओके, तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया कि इन एन एटम मे बी रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 10^-10 meters, बट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन ए स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस। इस सारा का सारा जो मास है, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे कंसेंट्रेटेड है। और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना माना गया, 10^-14 meters। एटम का डायमीटर या रेडियस कितना माना गया, 10^-10 meters। ठीक है जी, ओके। अगली बात इलेक्ट्रॉन्स की, कि द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम हैविंग लिविंग प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बीच में कहीं नहीं, उसके आसपास क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम लिविंग प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस। ओके, अगली बात, एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये चीज जे जे थॉम्सन ने भी बताई थी कि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव, बस उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई। जे जे थॉम्सन के मॉडल तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बीच में पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, यहाँ पे सारा पॉजिटिव कहाँ चले गया, सेंटर पर, कोर पर, जिसको क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स पहले तो बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड हुए हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाद में फिर और इसको करेक्ट किया गया कि स्प्रेड नहीं, ऐसे नहीं, जो सेकंड पॉइंट में लिखा ना स्प्रेड ओवर, ये शुरू में तो इसने ये दे दिया मॉडल में, लेकिन बाद में इसको और क्लैरिफाई करके बोला कि इलेक्ट्रॉन्स के आसपास क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से 8वीं 9वीं क्लास के बाद से यही पढ़ते आ रहे हो कि घूमते रहते हैं, पता ही आप। ओके जी, 3 पॉइंट हो गए, चेंज कर दूं कि लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख लो जितना लिख सकते लिख दो, बाकी मैंने बार बार बोल चुका हूं कि अगर नहीं लिखा जाता ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका कंक्लूजन या जो भी आप बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बना लेना। लेकिन ये जो टॉपिक ऐसा है, कई बार टीचर्स कह रहे थे यार रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, आपने 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसके बाद मेरे ख्याल से 11th में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसलिए 2 बार तो पढ़ लिया, 3री बार पढ़ाने का क्या फ़ायदा, अपने आप कर लेना। लेकिन अब फ़ायदा हो ना हो, हमने अपने हिसाब से भाई करा, हमारे सिलेबस में है और मैंने करा दिया है, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे मैं आपके भरोसे छोड़ दूं कि यार अपने आप कर लेना, मैं यहाँ पर एक बार क्लास में उस चीज़ को करवा ही देता हूँ, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफिकल्ट। ओके जी, और क्या है यहाँ पर, अब अगली बात, रदरफोर्ड पॉइंटेड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम आर नॉट स्टेशनरी, फॉर इफ दे वर एट रेस्ट दे वुड बी पुल्ड इन टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। He assumed that electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. The necessary centripetal force provided to them by the electrostatic force of attraction between them, electrons and the nucleus. ये वही बात कि पहले उसने बोला distributed है, लेकिन उसने बोला ऐसे rest पे तो रह नहीं सकते, अगर rest पे है distributed है
तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे न्यूक्लियस है वो इसको खींच लेगा, इसलिए फिर इनको मूव करना ही पड़ेगा। और फिर ये अल्टीमेट बात क्या आई कि ये मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। तो आज की डेट में जो रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ते हैं तो उसने क्या बताया था, बेटा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमते रहते हैं। बोलो जी, किया जा सकता है कि नहीं, क्या करें? बस हो गए, पॉइंट यही है, हो गए। इसके बाद लिमिटेशन डिस्कस की जा सकती है। अब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दे दिया, किसी बच्चे को अगर याद हो लिमिटेशन, लास्ट पॉइंट अपना लिमिटेशन आएगा बस, ठीक है। यहां पे इसके वाले पॉइंट खत्म हो गए, इसके बाद लिमिटेशन सब नहीं, टाइम तो मुझे पता हो गया, लिख मैंने लिखने के लिए बोला ही नहीं था, तुम अपनी मर्जियां करते हो तो फिर लिखे जाओ। चलो कोई बात नहीं, कल करा देंगे, थोड़ा सा रह गया। लिमिटेशन पढ़ के आना बेटा, लिमिटेशन पढ़ के आना, बस समझ लो मैं लिमिटेशन कराऊंगा नहीं, आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन पढ़ के आना, ठीक है। अब इसको पूरा याद भी करके आना, कल का काम सुन लो बेटा, आज करने के लिए ना कोई न्यूमेरिकल्स ना कोई क्वेश्चन, तो कल आपकी कॉपी में बढ़िया से सजा सजा कर, जिसको कहते हैं ना सजा सजा कर, बढ़िया से डायग्राम्स के साथ ये पूरा का पूरा जो आज कराया ना, अपनी कॉपी में लिख कर लेकर आना, कल चेक किया जाए, ठीक है जी। बढ़िया से पूरा का पूरा अच्छे से करके आओ, ठीक है। आज यहीं पर छोड़ देते हैं जी, जाओ ऐश करो।